हेलो चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग। आई एम प्रेसिंग साइन क्लास ऑफ वन। अभी हम आपको सब्जेक्ट इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, चैप्टर थ्री। चैप्टर थ्री का हमने ये करा चुके थे B2, आज हम C1 और C2 कराएंगे। दिस और डैट का यूज है। C1 में किस का यूज बोला गया है? दिस और डैट का। वी यूज दिस इज शो ए थिंग्स अ पर्सन नियर अस। दिस का यूज हम वहां पर करेंगे जहां पर एक चीज, एक व्यक्ति और जो नजदीक में हो, वहां पर हम दिस का यूज करेंगे। वी यूज डैट टू शो अ थिंग्स और पर्सन फॉर अवे फ्रॉम अस। वहां पर हम डैट का यूज करेंगे एक थिंग्स और पर्सन के लिए, आदमी के लिए, चीज के लिए जो दूर में है, फॉर अवे, दूर में है। सी टू हम कभी करा रहे, अंडरलाइन द करेक्ट आंसर। यहाँ पर दिस और डैट को, दिस होगा या डैट होगा उसमें अंडरलाइन करना है। स्टार इज शाइन ब्राइटली इन द स्काई। आकाश कहाँ है? दूर में है ना, इसलिए वहां पर डैट लगाएंगे। डैट में आप अंडरलाइन करेंगे, डैट में अंडरलाइन करेंगे। डैट स्टार इज शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई। टू में है सी आई फाउंड दिस या डैट कॉइन ऑन द रोड, है ना। कॉइन कहाँ पर है? रोड पर है, हमने पाया, हमने देखा, वहां पर दिस का यूज करेंगे। कॉइन नजदीक में ही होगा, वहां पर हम दिस में अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। थ्री में आई वॉन्ट टू गो टू दिस डैट पार्क इवन थो इज इट इज फॉर अवे। कहाँ है? पार्क है, पार्क दूर में है, इसलिए यहाँ पर आप डैट का यूज करेंगे, डैट में लगाएंगे। फोर में है दिस या डैट इज द ओल्ड चर्च, इफ वी वॉक इट विल टेक अस 10 मिनट्स। ओल्ड मैन जो है वो चर्च में जाते हैं वॉक करते हुए, उनको 10 मिनट लगता है, तो वहां पर किस का यूज करेंगे आप? डैट का। इसको आप लोग कॉपी में SW में बनाएंगे, अब बुक में आप बना लेंगे और कॉपी में SW में बनाएंगे और लर्न याद करेंगे। ओके, थैंक यू।